नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रानी दुर्गावती की जीवनी और उनका इतिहास। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे वीडियो आप रोज देख सके। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि रानी दुर्गावती की जीवनी और इतिहास। रानी दुर्गावती का नाम भारत की उन महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है, जिन्होंने मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीरत सिंह की पुत्री और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी थी। इनका राज क्षेत्र दूर दूर तक फैला था। रानी दुर्गावती बहुत ही कुशल शासिका थी। इनके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी और राज की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनके राज पर न केवल अकबर बल्कि मालवा के शासक बज बहादुर की भी नजर थी। रानी ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और उनमें विजय भी पाई। दोस्तों बता दे कि रानी दुर्गावती का जन्म और उनका बचपन कैसा रहा था। दोस्तों बता दे रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजा कीरत राय, इन्हें कीर्ति सिंह चंदेल भी कहा जाता है, के परिवार में कालिंजर के किले में 5 अक्टूबर 1524 में जन्म हुआ था। राजा कीरत राय की पुत्री का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। वर्तमान में कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता है। इनके पिता राजा कीरत राय का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। इनका संबंध उस चंदेल राज से था। राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी को युद्ध में खदेड़ा था और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। कन्या दुर्गावती का बचपन उस माहौल में बीता जिस राजवंश ने अपने मान सम्मान के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। कन्या दुर्गावती ने इस कारण बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वैसे दोस्तों क्या इससे पहले आपको दुर्गावती के बारे में यह बात पता थी, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।